ये इसका हाई बीम है गाइस, सॉरी लो बीम है, ये इसका हाई बीम है, देख सकते हेलो हो। गाइस, वेलकम बैक टू अगेन ऑन दिस नेक्स्ट मॉडिफिकेशन। तो यार देखो, मैंने जब अपनी बाइक में ये वाली लाइट लगाई थी ना, स्प्लेंडर एलईडी हेडलाइट प्रोजेक्टर, तो उस टाइम जो है कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट करके बोला था कि भाई यार, हमारे पास तो स्प्लेंडर नहीं है, हमारे पास तो दूसरी बाइक है, तो हमारे लिए भी कोई वीडियो बना दो ऐसे, जिससे कि हम भी अपनी जो बाइक की हेडलाइट है उसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस को इम्प्रूव कर सके। तो इससे जो पहली वाली वीडियो थी वो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई थी जिसमें कि मैंने कुछ बल्ब बताए थे, एलईडी बल्ब। तो उसमें जो है गाइस, सबसे बेस्ट बल्ब जो था वो मैं लेके भी आया। ये सवाल वैसे आपके दिल में भी होगा और मेरे भी दिल में था कि यार ये जो लाइट है, मेरे को इसकी तो देखो काफी मस्त ब्राइटनेस है मेरे को देखने को मिलती है। क्योंकि जब पहले मेरे पास नॉर्मल लाइट थी, तो उसमें क्या है कि मेरे को जब मैं हाईवे पे चलता था नाइट को, तो मेरे को जो है आगे आने वाली गाड़ियों को पासिंग देना पड़ता था, उनको बताना पड़ता था कि भाई थोड़ी सी अपनी लाइट को डिम लो बीम में ले लो। लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं, इसकी ब्राइटनेस काफी बढ़िया है। अभी जो है सामने वाले मेरे को हाई बीम लो बीम करते हैं कि यार भाई अभी तू कम कर ले अपनी लाइट को, तो इसका मतलब मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जब पासिंग करते तो मैं अपनी लाइट को लो बीम में कर देता हूँ, इसलिए कि उनको दिख नहीं रहा होता है। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्या इसी इस बल्ब की भी ऐसी ब्राइटनेस हो सकती है जो कि हमारे दूसरे बाइक जो भी है उसमें लगेगा ये बल्ब। और आज की इसी वीडियो में हम यही करने वाले हैं। हाँ, हमारा जो ये बल्ब है, एचआईडी बल्ब जो है इसका, और हमारी जो एलईडी लाइट से, इसका हम कंपैरिजन करने वाले हैं। देखो, अगर आपको इसका और इस लाइट का जो फीचर और रिव्यू देखना है इस लाइट की, तो मैंने इंस्टॉलेशन भी बता रखा है, तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में जो है इसके दोनों के ही आपको वीडियो के लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप देख सकोगे। इस बल्ब के साथ में मैंने कुछ और भी बल्ब बताए हैं, तो उनको भी आप देख लेना। और इस लाइट्स के अगर कोई स्प्लेंडर वाला है तो इसको भी देख लेना। ये वाली जो लाइट है ये सिर्फ और सिर्फ स्प्लेंडर वालों के लिए। और हाँ, मैं इस वाली वीडियो में भी बताना भूल गया था, ये स्प्लेंडर वालों के लिए नहीं है, बल्कि यामा RX-Z जो एक बाइक आती है उसमें भी लग जाती है। उसमें भी एक ऐसी स्क्वायर टाइप की लाइट आती है, तो उसमें भी लगा सकते हो। और एक जो हमारी बहुत ओल्ड बाइक आती है हीरो होंडा की CD100, जिसमें कि कुछ वाइजर वगैरह नहीं होता बाइक में, सिर्फ ओनली फॉर ऐसा स्क्वायर टाइप का जो हेडलाइट लगी हुई होती है, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हो आप इसको। और इसको तो आपके पास भले ही कोई सी भी बाइक है, आप सभी बाइक्स में यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कुछ कंपैरिजन बता देता हूँ। तो ये जो हमारा बल्ब है, ये मेरे को पड़ा है लगभग 700 से 800 रुपये के बीच में ये बल्ब आता है। और इस लाइट में गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी भी बहुत सारी लाइट्स से अलग अलग आने लग गई है। और इसकी अब आप वीडियो देखोगे उसमें मैंने शायद से चार लाइट्स मैंने आपको बताई जिसमें कि इस टाइप की लाइट है। तो ये भी लगभग 500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की ये लाइट्स जाती है, जिसमें कि अलग अलग टाइप के आपको पैटर्न्स मिल जाते हैं। और इसमें देख सकते हो इसकी ब्राइटनेस वैसे काफ़ी बढ़िया है, इसमें आपको DRL मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर मिल जाते हैं। और इसी बल्ब की बात करें तो इसमें सिर्फ ये जो SMD LED बल्ब लगे हुए हैं इसके साइड तीनों तरफ लगे हुए हैं इसमें। तो ये गाइस हमारी ये लाइट आती है पूरी 35 वाट में। और इस बल्ब में जो है, अब इसको आप लो बीम में यूज़ करोगे तो ये 30 वाट का काम करेगा ये बल्ब, और आप जब इसको हाई बीम में यूज़ करोगे तो 50 वाट का कंजप्शन होगा इस बल्ब का। और जो पिछले वाली वीडियो, उसमें मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन बताना भी भूल गया था, तो इस वीडियो में आपको वो भी पता चल जाएगा किस तरीके से इसका जो है इंस्टॉलेशन है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को सब कुछ खोलना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको इसकी ब्राइटनेस बताऊँगा और उसके बाद में जो है इसकी ब्राइटनेस बताऊँगा। तो देख सकते हो अपन को जो है इस हेडलाइट में ये वाला बल्ब लगाने के लिए जो है ये मॉडिफिकेशन हटाना पड़ेगा। देख सकते हो ये जो मैंने इसमें ब्लैक कलर का रैप कर रखा है जो, तो करते हैं फटाफट से।
गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ बाहर आउटडोर में, और अभी हम इन बल्ब का और इस लाइट्स का जो है कंपैरिजन करने वाले हैं ब्राइटनेस का जो है। तो देख सकते हो मैं हाईवे पे नहीं, यहाँ पे आया हूँ, एक ग्राउंड है जहाँ पे मतलब क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं लोग। तो अभी रात का टाइम है, अभी एकदम से खाली है, तो एकदम से बढ़िया पता चलेगा हमको इसको जो ब्राइटनेस का। तो गाड़ी देख सकते हो आप, मैं इसका वाइजर खोल के लाया हूँ, और अभी जो इसमें वो LED हेडलाइट प्रोजेक्टर लगा हुआ है। तो देख सकते हो ये हमारा LED हेडलाइट प्रोजेक्टर लगा हुआ है फिलहाल में, फोग लैंप बंद है मेरे, ठीक है। तो अब ब्राइटनेस देखो आप इसकी, ये इसका हाई बीम है गाइस, सॉरी लो बीम है, ये इसका हाई बीम है, देख सकते हो हाई बीम में जो एक पॉइंट आपको और मिल जाता है बीच में, जो जिससे कि आपको ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो अभी हम लगाएंगे हमारा HID बल्ब, तो उसकी ब्राइटनेस बताता हूँ मैं उसकी कैसी है, ठीक है। तो सामने देख सकते हो आप, काफ़ी दूर तक जा रही, वीडियो में आपको इतना अच्छा खासा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन देख सकते हो डॉग बैठा, उससे भी आगे ब्राइटनेस जा रही इसकी। गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप, हमने लगा दी है हमारी ये वाली लाइट, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जो HID बल्ब था वो, तो इसकी ब्राइटनेस आप देख सकते हो। तो गाइस इसकी भी ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया है, जो हमारी जो पहले वाली लाइट थी स्प्लेंडर वाली प्रोजेक्टर वाली लाइट, उसमें आपको काफ़ी वाइड एंगल मिल जाता है, इसमें आपको वाइड एंगल नहीं मिलता है, मतलब इधर और इधर रोशनी होती होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको आगे की तरफ ब्राइटनेस मिलती है। तो काफ़ी बढ़िया ब्राइटनेस है इसकी भी। ये भी हाई बीम में या लो बीम में? ये इसका हाई बीम, ये भी लो बीम देख सकते हो आप गाइस। और मैं इसको और मतलब हेडलाइट को जो है आगे की तरफ ऊपर करके बता रहा हूँ आपको, बाकी ये देखो रोशनी इसकी काफ़ी बढ़िया, ब्राइटनेस जो है इसकी, तो आप लगा सकते हो, मतलब सिर्फ डिफरेंस जो है आपको वाइड एंगल नहीं मिलेगा, मतलब इधर और इधर जो हमारी पहली वाली लाइट थी उसमें आपको काफ़ी वाइड एंगल भी मिल जाता है, इसमें आपको सिर्फ आगे की तरफ ब्राइटनेस मिलेगी। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, हमको आगे की तरफ ही देखना होता है, और साइड में वैसे जरूरत इतनी नहीं होती है। देखो मैंने अभी आपको हैलोजन बल्ब लगा के भी बता रहा हूँ, जिससे कि आपको पता पड़ जाएगा कि HID बल्ब और हमारा जो प्रोजेक्टर है उसमें कितना फर्क ब्राइटनेस का। जो ये मैंने एक हैलोजन बल्ब भी लगाया है, बहुत पहले लगाया था, और उसके बाद में तो मैंने LED यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हो थोड़ा नीचे कर, ये देखो। तो मतलब आपकी नॉर्मल बाइक में ये हैलोजन बल्ब लगा होगा, आप पहले कोई सा भी लगाते हो, अगर आपके पास स्प्लेंडर है तो आप प्रोजेक्टर लाइट लगाते हो, उसमें भी आपको ब्राइटनेस काफ़ी मिल जाएगी। और अगर आप वो ना लगा के अगर आप कोई सा भी बल्ब भी यूज़ करते हो LED में, तो आपको एक हेलोजन बल्ब से काफ़ी बढ़िया आपको ब्राइटनेस मिल जाएगी, ये देख सकते हो आप। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो भी डिफरेंस था आप देख सकते हो। और अभी करते वीडियो का एंड, जाता हूँ मैं घर पर। तो देख सकते हो एक वाइजर मैं इसका खोल के लाया था, ताकि कुछ ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े बल्ब चेंज करने में, तो डायरेक्ट मैं इससे क्लिप वगैरह लगा के चेंज करा था। तो ठीक है, बाय। और हाँ, वीडियो का क्या करना है वो देख लेना, लाइक्स। सो प्लीज सारा पकड़ा सारा खबर सबरा कराए सारा सारा।